जीतने नहीं दूंगा। अम्मा की दाल बिस्किट्स। हाँ हाँ, ये स्पेशल बिस्किट्स है, इन्हें खाते ही एक जबरदस्त धमाका होगा। और अगर तुम्हें ये बिस्किट्स चाहिए तो पहले तुम्हें उस बोर्ड पर एक गोल्ड स्टार लगाना होगा। पर हम स्टार तो तभी दे सकते हैं ना जब हमें बिस्किट्स पसंद आए। अरे ओए, ये कोई ऐसी वैसी बिस्किट नहीं है, बिल्कुल स्पेशल फिलिंग वाली है। अगर खाना चाहते हो तो चुपचाप स्टार लगाओ। ये तो साधारण सी क्रीम बिस्किट है, वो धमाके की आवाज तुम्हें निकाली। हमें हमारा स्टार वापस दो। मैंने कहा था धमाका होगा और धमाका हुआ। अब कैसे होगा ये तो नहीं बताया था ना। चलो अब दफा हो जाओ यहाँ से, बाकी बच्चों को आने दो। चार्ली, सोनू, मोनू, तुम बिस्किट्स नहीं बेच सकते, ये तो रेडीमेड पैकेट्स हैं जो बाजार में मिलते हैं। मैंने कहा था तुम्हें कुछ ऐसी चीज बेचनी है जो तुम खुद अपने हाथों से बनाओ। बस अब क्या करें? आइडिया, हम इन बिस्किट्स पर स्पेशल टॉपिंग लगाकर फैंसी बिस्किट्स बेचेंगे। मुझे पता है मुझे क्या करना है। तो बच्चों, हमने सब स्टॉल्स के गोल्ड स्टार्स की काउंटिंग कर ली है। फिलहाल जो दो स्टॉल्स सबसे आगे हैं वो है राजू और चार्ली के स्टॉल्स। अब क्योंकि राजू और चार्ली के टीम के बीच टाई है, तो इस टाई को ब्रेक करने के लिए प्रिंसिपल रुस्तम दोनों स्टॉल्स के आइटम को टेस्ट करेंगे। तो राजू और चार्ली, जल्दी से अपने अपने स्टॉल्स की आइटम बनाकर स्टेज पर ले आए। चटनी तो खत्म हो गई। मीठी चटनी के बिना तो पानी पूरी बहुत तीखी हो जाएगी। पहले मीठी चटनी गायब, अब मम्मी ने जो चॉकलेट्स दी थी वो भी पिघल गई। यस, आइडिया, ये मेल्टेड चॉकलेट को पूरी में डालकर हम चॉकलेट पानी पूरी बनाएंगे। हम अब भी जीत सकते हैं। चलो जल्दी करो। वाह राजू, कमाल का आइडिया है। तो बड़े ही टेस्टी है, एक खा कर देखता हूँ। ये बिस्किट है या मिर्ची की दुकान, इसे कोई कैसे खा सकता है? यमी, क्या स्वाद है, क्या है ये? चॉकलेट पानी पूरी। क्या कमाल का आइडिया है, राजू, गोपी और जूली की टीम जीतती है। मीठा हो या चटपटा, खाओ सिंह के दुकान पर लो खाने का असली मजा। सेवपुरी, भेलपुरी, पानीपुरी, रबड़ा पेटिस और मिठाई भी है, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, पेड़े, जलेबी। रगड़ा पैटिस या मीठी मीठी जलेबियाँ, चटपटी सेव पूरी या रस भरा रसगुल्ला, तुम बच्चों के लिए पहला आइटम खाओ सिंह की तरफ से बिल्कुल फ्री। वाह, आइडिया, हम तीन अलग अलग चीज लेकर आपस में शेयर कर लेते हैं, इस तरह हमें अलग अलग चीजों को टेस्ट करने का मौका मिल जाएगा। सही कहा राजू। खाओ अंकल, हमें एक प्लेट सेव पूरी, एक प्लेट रगड़ा पैटिस, अभी लो बच्चों, पहले इस बच्ची को इसकी आखिरी पानी पूरी तो दे दूं। जी, आप तो बड़े तेज हो।
पूछो। ऐसी सेव पूरी तो मैंने आज तक नहीं खाई। और ये जलेबी तो कितनी मजेदार है। रगड़ा पैटिस का भी जवाब नहीं। आओ यहाँ बैठ कर खाते हैं। देखो कौन आया है मजेदार खाने के बारे में, तुम क्या जानो। दोस्तों कहीं और बैठते हैं ताकि चैन से इस खाने का मजा ले सके। यहाँ बहुत शोर है। सही कहा राजू, कहीं और चलते हैं। बहुत अच्छा बच्चे, खाना वेस्ट हो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे भी। अपने रसगुल्लों को पकड़ कर रखो बच्चों, उछल उछल कर गिर रहे हैं। सब काम मुझे ही करना है। ए बिल्ली तुम बताओ क्या ये ठीक है? ये बिल्ली नहीं, ये तो तेंदुआ है। आओ मूर्ति अंकल चिल्ला रहे हैं, चलो देखते हैं। क्या हुआ मूर्ति अंकल? क्या हुई? तेंदुए का पिल्ला हुई। तेंदुआ कहाँ गया वो अंकल? मुझे काट के उधर भाग गई। लालिता आइए देखो जी। चुप, एकदम चुप। आपके गले में सोने का चेन थी, किधर गया? कहाँ गई? कहाँ? तेंदुआ, ओ तेंदुआ, मुझे मेरा गोल्ड चेन दे दो, दे दो, प्लीज। ओए किटी, छोटू किटी, आओ, आ जाओ, आ जाओ। पकड़ लिया। वो गोल्ड चेन मेरा है। तो ले लो अंकल। बच्चे ये हमारा है, दे दो। नहीं दूंगा, क्या कर लोगे? तुम लोग इसे चुरा कर नहीं ले जा सकते, जू वालों के हवाले कर दो। माइटी राजू, इस छोटे तेंदुए को बचाने के लिए। और मेरा भी थैंक्स, मेरा गोल्ड चेन मुझे मिल गया और मैं ललिता से बच गया। राजू, तुम ठीक तो हो ना? राजू तुमने बहुत कुछ मिस कर लिया। क्या हुआ गोपी? पता है माइटी राजू आया था और उसने गुंडों की खूब पिटाई की।